नवगछिया हैदराबाद की घटना को लेकर नवगछिया की मदन अहिल्या महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने निकाला आक्रोश मार्च, देखें वीडियो न्यूज। निकलने दीजिए, नहीं किसी से भीख मांगते। जस्टिस, जस्टिस, इंसाफ दो, इंसाफ दो। सामने वही है जैम जी, सामने भी ये किस तरह की मार्च है इसके बारे में? ये मार्च है छात्राओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए। आज जिस तरह से हैदराबाद में ये कांड हुआ कि पहले सामूहिक बलात्कार किया जाता है और फिर उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है, ऐसी कई घटनाएं देश में होती हैं और होती ही रहती है। इसके पहले भागलपुर में काजल पर एसिड अटैक हुआ, उसमें भी खूब विरोध हुआ, लेकिन क्या हुआ, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। और आज तक कितनी ना जाने कितनी छात्राएं ऐसी हैं, ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनको इंसाफ नहीं मिल पाता है, और कितनी लड़कियां तो ऐसी हैं जिनका मुद्दा उठ भी नहीं पाता है। और पता नहीं कब तक ऐसा होता रहेगा कि रेप एक दिन में हो, एक रात में हो सकता है, दो घंटे में हो सकता है, लेकिन एक दिन में क्या चार दिन में फांसी नहीं मिल सकती है? फांसी मिलने के लिए आपको 25 वर्ष का इंतजार रहेगा, जब तक कि पता नहीं और कितने रेप हो जाएंगे और कितनी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। मैं इस बात को भी जानती हूं कि आज जैसे प्रियंका का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, प्रियंका रेड्डी का, लेकिन ये भी कुछ दिनों तक मुद्दा रहेगा लाइट में, लेकिन इसके बाद प्रियंका रेड्डी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा, इसके बलात्कारियों को भी फांसी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, लेकिन अब हम छात्राएं न्याय लेने के लिए, क्योंकि हमें अब न्याय मांगना नहीं है, छीन कर लेना है, ये हमारा निर्णय है। और अगर देश की कानून व्यवस्था बलात्कारियों को फांसी देने में असक्षम है और अगर उन्हें कानून का संविधान का डर है तो हमें इसका डर नहीं है। हम छात्राएं अपनी सुरक्षा के लिए चाहे कोई भी रैपिस्ट हो, उसे जिंदा जलाने से, उसे गोली मारने से या उसे चार थप्पड़ मारने से नहीं डरेंगे और ना कभी पीछे हटेंगे। सिंह, मदन अहिल्या महिला कॉलेज से, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई अध्यक्ष। मैं कांचा चौधरी, हम लोगों ने ये मदन अहिल्या महिला कॉलेज से हैदराबाद में जो भी घटना हुई उसके खिलाफ एक आक्रोश मार्च निकाला है। ये एक शुरुआत है, अगर इसके खिलाफ कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती है तो हम लोग खुद इसके खिलाफ आक्रोश मार्च निकाल कर जो भी होगा इसके खिलाफ हम लोग खुद कर सकते हैं। अर्चना कुमारी, मदन अहिल्या महिला कॉलेज की आम स्टूडेंट हूँ। मुझे बस ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, मुझे सरकार से कुछ कहना है, मोदी सरकार से। उसने कहा था बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को क्यों बचाएं? यही रेप करवाने के लिए जो आप इंसाफ नहीं दिलवाते हो, और क्यों दिलवाएं, मतलब क्यों पैदा करवाएं? आज हो गया, कल को कुछ हो गया, उसे सुनने वाला ना कोई है, ना कोई समझने वाला है। चलो हो गया तो हो गया, होने दो, आगे की देखो। आगे की क्या देखे, जब आज का ही दिन ठीक नहीं है तुम कल के पे कितना डिपेंड रह सकते हैं? क्या पता आज हमें उसके साथ, प्रियंका रेड्डी के साथ ऐसा हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, बाकी किसी और के साथ होगा। तो आपने ऐसा बोला ही क्यों कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ? पढ़ाने की तो बात दूर गई, पहले आप बचा के तो दिखा दो। सिर्फ दुनिया में लाना बेटियों का काम नहीं है, दुनिया में बेटियों को बचाना भी काम है। वो काम आपका था सर, आपने ऐसा नहीं किया, पर आपको ये नारा भी लगाने का कोई हक भी नहीं है। थैंक यू। परिचय दें और बताएं। मैं जेम्स फाइटर, अंतर्राष्ट्रीय टैकंडो खिलाड़ी नोगछिया। आज मदन लिया के द्वारा आज आक्रोश मार्च नोगछिया में निकाला गया है, जो हैदराबाद में घटना हुआ है प्रियंका रेड्डी वाला। तो इससे आज जो घटना बार बार ये हो रहा है, ये क्या हो रहा है? संविधान क्या कर रहा है? न भरोसा अब संविधान पे रहा है, ना भरोसा रहा है पुलिस प्रशासन पे, न पकड़ पा रहा है सही से, न उसका पूरा कर नहीं, कुछ भी नहीं पा रहा है। जो होना चाहिए उसका सजा नहीं मिल रहा है, तो क्या हो रहा है? आज सारा बच्चा पूरा रोड पे आ गया है। हमको न्याय मिलना चाहिए, भारत संविधान न्याय देती है। संविधान अगर नहीं रहेगा
तो फिर देश भी नहीं रहेगा। इसलिए संविधान को बचाना है तो बस सजा भी मिलना चाहिए। जब तक सजा नहीं मिलेगा फिर संविधान का मतलब क्या है? कोई भी कुछ कर ले इसका मतलब क्या है? तो इसीलिए संविधान पे भरोसा है और हमको लगता है कि इस पे न्याय मिलेगी, जरूर मिलेगी। और जो विधि व्यवस्था जो है चल रहा है वो सही नहीं है, उस पे पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा अटक रहना इस पे और अच्छे से काम करे। जो विधि व्यवस्था भारत देश में चल रहा है वो सही लेकिन नहीं चल रहा है। बस धन्यवाद।